हेलो नमस्ते भाई, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं पीछे कि आज हम किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, यूपी पुलिस का जो बेसिकली हमारा एग्जाम हो चुका है उसका रिव्यू मैं आपको यहां साझा करने वाला हूं। रिव्यू काफी धमाकेदार होने वाला है क्योंकि इसके अंदर काफी कुछ अच्छी बातें, काफी कुछ बेहतर बातें आपको यहां जानने को मिलेंगी। आज पूरे दिन में जीएस का जो पैटर्न है वो कैसा रहा, देखो मैं एक चीज है जो बहुत क्लियर शब्दों में कहना चाहूंगा, ये इवेंट मैंने अपने कहने से लगवाया है, ठीक है, और उसके पीछे का एक सीधा साफ रीजन भी है। पूरा टाइटल देख लो कि इसके अंदर जीएस क्वेश्चन बताने वाला हूं विद स्क्रीनशॉट। आखिरकार यूपी पुलिस के पेपर में जीएस के सवाल पूछे कहां से जाते हैं, बात ये है। देखो तो इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, ठीक है, भले ही आप शेयर करते हो नहीं करते हो दिस इज अप टू यू, लेकिन जो मेरी दिली ख्वाहिश है वो ये है कि अगर कोई ऐसा छात्र है जिसका 18 फेब को एग्जाम है, 18 फेब को एग्जाम है, तो उस बच्चे को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, या कोई भी ऐसा छात्र है जो आगे यूपी पुलिस के लिए प्रिपेयर कर रहा है खुद को या यूपी के किसी एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है, तो भाई उसको ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ी सी कुछ बातें हैं वो हम आप लोगों के साथ करेंगे, क्या कुछ रही इसके अंदर बातें वो आप समझेंगे, उसके बाद भाई आप डिसाइड करना कि आपको आगे क्या कुछ चीजें करनी चाहिए। बेस्ट सोर्स मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट सोर्स क्या रहना चाहिए और क्या रिपीटेशन संभव है, क्या क्वेश्चंस का रिपीटेशन होता है, ये भी चीज आपकी जो है आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं कि एग्जाम का आज का लेवल कैसा रहा, टुडेज पैटर्न कैसा रहा, तो वो आपको अभी देखने को मिल जाएगा कि आज का पैटर्न कैसा रहा। दूसरी चीज, आगे आने वाले एग्जाम के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या कुछ होनी चाहिए उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है। देखो अभी तो सिर्फ यूपी पुलिस हुआ है, आगे यूपीएसआई होना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। और भाई पहली चीज, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बेसिकली क्या हुआ, जैसे ही आपके पेपर हुए उसके बाद मुझे ना बहुत सारे लोगों ने, जितने भी एस्पिरेंट ऐसे थे जो मुझसे पढ़े हैं कभी ना कभी, उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किए मेरे साथ कि सर आपने पढ़ाया था, एग्जाम में आया था, ठीक है। तो इस चीज के लिए मैं आप लोगों को भी वो चीजें साझा करना चाहता था। इस वीडियो के थ्रू मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि मैं आपके सामने हवाबाजी करना चाहता हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पैटर्न दिखाना चाहता हूं। कई बार बच्चे डिसाइड करने लगते हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं क्या वो एग्जाम में सीधे तौर पर आएगा, नहीं आएगा। तो अब बात यह है कि मैं तो आपके सामने चीजों को शो कर दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे इस वीडियो को शेयर करना दिस इज अप टू यू, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है। अगर आप मुझसे पढ़े हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें। आई डू नॉट से टू हर वीडियो को, तो मैं नहीं कहता कि शेयर कर दो, लेकिन ये जरूरी है। अच्छा, पलक का पेपर कल है, जिसका पेपर कल है भाई आप सभी को भाई दिली शुभकामनाएं, तहे दिल से आपका पेपर अच्छा हो, ठीक है। माहौल बनाते हैं, देखो माहौल क्या है कि आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन आए जो क्लास में से रिपीट हुए। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये था, दोनों शिफ्टों की मिला के बात कर रहा हूं, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार, तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान था। कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान था। और ये मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की फाइल है, ये मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास, ठीक है, ये पेड क्लास का है, ठीक है, ये पेड क्लास का है। और इसमें से आपको सीधा क्वेश्चन देखने को मिला था, 1929 खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी जी ने कहा जाता है। दिस क्वेश्चन वॉज डायरेक्टली फ्रॉम PDF, ठीक है, और ये क्लास में मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, इसीलिए मैंने यहां पे लगाई है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको यहां निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है, इस पूरी चीज को जो एक्सप्लेनेशन है जीएसटी के लिए सही नहीं है, इन सारे चारों ऑप्शंस को मैंने इस वाली स्लाइड पर डिस्क्राइब किया था। ये हमारी इकोनॉमिक्स की पेड क्लास ये बेसिकली थी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पेड में ये पढ़ाया है मैंने, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ पेड में पढ़ाया, नहीं, ये वाला पोर्शन मैंने आपको फ्री में भी जब यूट्यूब पे पढ़ा रहा होता था तब भी मैंने आपको ये डिस्क्राइब किया था, ठीक है, क्योंकि जब भी जीएसटी आता है भाई की आत्मा एकदम धुआं उठा देती है, और ये चीज मैंने आपको वहां पर भी कराई हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसका करेक्ट आंसर जो बेसिकली जीएसटी एक कॉमन लॉ प्रोसीजर है थ्रू कंट्री अंडर है, ठीक है, बिल्कुल इसके अंदर जो आंसर है मैं पहले ही इन सब के डिस्क्राइब कर चुका हूं, अभी सिर्फ मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि क्लास में से कितनी कुछ चीजें आती हैं, सीधा क्लास में से उठ के आया है, ठीक है। ये तो ये क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पे भाई किसी ने नहीं कराया, ये वाला जो क्वेश्चन है पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं कराया, लेकिन उसके बावजूद आपके भाई ने कराया। वो तो छोड़ो यहां पे क्वेश्चन का पैटर्न तक सेम उठा लिया, ठीक है, पूरा का पूरा पैटर्न सेम उठाया है। ये क्वेश्चन मैंने यूपी पुलिस 2024 मात्र 3 दिन पहले ली थी, पेपर होने के मात्र 3 दिन पहले मैंने आपकी ये क्लास ली थी, 3 डेज पहले मैंने आपकी ये क्लास ली थी, और 3 दिन पहले जब मैंने आपकी क्लास ली थी उसके अंदर एक क्वेश्चन उठाया था, फिशिंग, मैंने इसके अंदर करेक्ट आंसर बताया था, और इसका सही आंसर भी फिशिंग होगा, इसमें भी ऑप्शन डी था बेटा, इसमें भी ऑप्शन डी था। अब मुझे ये बताओ माहौल है या नहीं है, ठीक है,
ये बताओ। ठीक है चलिए, क्या आप पेपर डिस्कशन कराते रहोगे? जी हाँ कराते रहोगे। एक मिनट भाई, कॉल है सर का है। सवाल था सर, सर का ही फोन था, सर पूछ रहे थे हाँ भाई क्या सर आप पेपर, मगर सर बच्चों को बता रहा हूँ, तो 3 दिन पहले बेसिकली लेकर आया था सेम टू सेम इसमें पेपर में आया, दिस कंप्लीट आंसर फॉर फिशिंग। अगला अगर मैं बात करूं, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये आपका भाई है, कोई दूर नहीं है भाई है आपका। इसके अंदर मैंने बताया हुआ था कि भाई ये होती है नोटबंदी, जिसको डीमोनिटाइजेशन के नाम से भी, विमुद्रीकरण के नाम से भी जाना जाता है। और ये 24 मिनट 47 सेकंड पे मैंने डिस्क्राइब किया था, और इसके अंदर भी मैंने बताया था इसको क्या नोटबंदी के नाम से जाना जाता है, कि इसका नोटबंदी के नाम से जाना जाता है, याद रखना। इसके बाद अगली अगर मैं बात करूं, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से कहां, ये क्लास भी अभी बस मैंने 2 दिन पहले ली है, ये क्लास 2 दिन पहले मैंने एक क्लास ली थी, और इस क्लास के अंदर मैंने मकबरे सबके बता दिए थे एक बार में। तो इसमें से जो अकबर का जो मकबरा है सिकंदराबाद यूपी के, सिकंदरा यूपी के अंदर मैंने आपको बताया था, वो यहां पे आपको देखने को मिलता है, डिट्टो सेम टू सेम। ठीक है, और अभी यही नहीं, अभी और समझिए भाई, धूमाधाड़ है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके साथ की थी? ये क्लास मैंने अरुण सर वाले चैनल पे ली थी, इवन जब मैंने आपको करियरविल के ऊपर भी ली थी तब भी मेरा भाई ये रहा आपका क्वेश्चन था, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, उस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने मदन मोहन मालवीय का, कि 1916 में बीएचयू की स्थापना की गई थी, जिसके साथ में इनके जो थी कहा है अपनी डॉक्टर एनी बेसेंट, अरे डॉक्टर भी लिख रखे हैं, प्रोफेसर एनी बेसेंट इनके साथ थी, याद रखना ये चीज आपको यहाँ पे बताई गई थी। इसके अलावा यही नहीं, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? भाई क्लास ले रहा था स्टैटिक जी के आर्ट एंड कल्चर स्पोर्ट्स, इसकी क्लास ले रहा था मैं अवार्ड्स वाली, इसके अंदर मैं जब भारत के रत्न समझा रहा था मैं, तब मैंने बताया था कि गोविंद वल्लभ पंत भारत के पहले सीएम भी, यूपी के पहले सीएम भी रहे हैं, सेम क्वेश्चन यहाँ से उठाया था। ठीक है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट, कुमार सम्भवम किसकी किताब है? ये रहा, ठीक है, महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? कुमार, ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसका तो जो आंसर था मलिक मोहम्मद जायसी था, लेकिन इसमें कालिदास जब आए थे तो मैंने एक्सप्लेन किया था कुमार संभवम अभिज्ञान शकुंतलम माल विकाग्न मित्र अग्नि विकाग्न मित्र मेघदूतम रघुवंशम, तो बहुत सारे मैंने एक्सप्लेन किए थे, लेकिन इसमें जो लिखे थे मेरे बच्चे ये जो है कुमार संभवम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, और एग्जाम में भी कुमार संभवम पूछा गया था, द करेक्ट आंसर वुड बी महाकवि कालिदास। ठीक है, ये पूरा पैटर्न उठा के छाप के मारा है भाई क्लास में से, ठीक है, पूरा पैटर्न क्लास में से छाप के मारा है, जीत रहा ना, मेरी स्लाइड है ये, ठीक है, जीत रहा ना, स्लाइड भी मेरी ही है ये, यहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक की? देखो मैं हिंदी नहीं पढ़ाता, लेकिन हुआ क्या था कि मैं आपको स्टैटिक जी के पढ़ा रहा था अरुण सर वाले चैनल पे, उसके अंदर मैं जब आपको बता रहा था कि भारतीय साहित्य में जो आरंभिक 20वीं शताब्दी के मध्य में हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था, तो करेक्ट आंसर मुंशी प्रेमचंद था, तो उसमें ही मैंने एक्सप्लेन किया था कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गोदान भी लिखी गई है, और सेम क्वेश्चन आपका गोदान आया, करेक्ट आंसर वुड बी मुंशी प्रेमचंद, इनका दूसरा नाम क्या है? धनपत राय। ठीक है, चलिए, धुआंधाड़ छापा है, जी हाँ, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, पेपर की बॉडी टाइट कर दिया, जो आपके नैलको आई थी ये पेड बैच में से है, ठीक है, ये पेड बैच में से है, नैलको का पूछा था, पेड में से है, ये पेड बैच में मैंने क्लास ली थी, ये आपका भाई चीता है, चीता क्लास में भी ऐसे ही रहता, पेड हो या फ्री हो चीता खुल के खेलता है। यहाँ पे नैलको की एस्टेब्लिशमेंट मैंने भुवनेश्वर आपको बताई हुई है, भुवनेश्वर बेसिकली मैंने आपको यहां बताई, धुआं ठाके
चीता एकदम खुलकर खड़ा है, ठीक है, माहौल है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये देखो, ये सवाल लल्लू है, हर कोई कराता है, तो इसका तो तुम कुछ भी, बच्चे ने भेज दिया तो मैंने लगा दिया, नहीं भेजता तो बच्चा भी कहता कि सर आपने मेरा नहीं लगाया, सबके लगा दिया, तो स्क्रीनशॉट भेजा है तो ये रखना भाई। WHO का एस्टैब्लिशमेंट यहां बताई हुई है, जो यूपी पुलिस 2024 की PYQS टॉप 250 क्वेश्चन की मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, और ये वीडियो 4 दिन पहले आपकी आई थी, 4 डेज पहले आपकी वीडियोस आई थी, इस वीडियो को देख लेना मेरे भाई। आगे इसका जो करेक्ट आंसर, दिस इज जेनेवा। नेक्स्ट आया था, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? यूट्यूब पर सेशन लिया था, यूपी पुलिस, SSC GD GK GS। ये पेपर जो क्लास 10 ली है मैंने, क्लास नंबर 10 ली है मॉक टेस्ट की, उस क्लास नंबर 10 के मॉक टेस्ट में ये सवाल जो है मैंने आपसे पूछा था, द करेक्ट आंसर वुड बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सवाल मैंने पूछा हुआ है, ये मेरा स्क्रीनशॉट है उस क्लास का, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? ये आपका चीता भाई यहां पे खड़ा हुआ है, और इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि भारत के जो रत्न है, भारत रत्न है, ये भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, इसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और उसके बाद पद्मश्री, और धुआंधार तरीके से आपको पद्म, भारत रत्न बताया था। इवन मैंने तो स्क्रीनशॉट तक शेयर किया था कि इसमें कौन कौन सा अवार्ड जो है भारत रत्न में किस किस को मिला हुआ, पूरी PDF फैक्ट मारी थी, वो भी यूट्यूब लाइव में। इसके बाद अगर मैं बात करूं, हाँ हो गया वो आंसर, ठीक है। इसके बाद मैंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे, पूछा गया था यूट्यूब पे, मॉक की पहली क्लास, पॉलिटी का पहला मॉक है यूट्यूब पे, पॉलिटी, पॉलिटी इज फर्स्ट मॉक ऑन यूट्यूब, फर्स्ट मॉक ऑन यूट्यूब, पॉलिटी का पहला मॉक लिया था मैंने यूपी पुलिस के लिए, वैसे CGL वगैरह के मेरे आते रहते हैं, लेकिन यूपी पुलिस के लिए मेरा पहला मॉक था, ठीक है, जो मैंने आपके जो करियर विल चैनल है उस पर लिया था, उसी के अंदर मैंने 26 नवंबर 1949 को एक्सप्लेन किया था। धुआंधार तरीके से इसके अंदर आपका 26 नवंबर जो है आंसर मैंने ठोके मारा था, और मैंने आपसे भी कहा था कि भूल मत जाना, सवाल एग्जाम में आएगा, ठीक है। इसके बाद छोड़ो, ये देखो प्रयाग प्रशस्ति कौन है, ये भाई है, ठीक है। इसके बाद मैंने UPSSC GD प्रैक्टिस सेशन है, क्लास कौन से नंबर की है ये बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, लेकिन 46 मिनट 43 सेकंड पे मैंने समझाया हुआ है यहां पर कि कविराज जो समुद्रगुप्त है उनके दरबार में कवि रहा करता था हरिषेण, हरिषेण के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है किसके द्वारा, हरिषेण के द्वारा, ठीक है। 46 मिनट 43 सेकंड 55 मिनट 12 सेकंड की वीडियो है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ो, रविंद्रनाथ टैगोर ने कब नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? 3 दिन पहले वीडियो डाली है, 3 डेज पहले वीडियो डाली है मॉडर्न हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट रिकॉल एक बार में, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने सेम क्वेश्चन पूछा है, वो तो छोड़ो, ऑप्शन देख लो, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। अच्छा, जो लाठीचार्ज हुआ था लाला लाजपत राय का, कैबिनेट जो हुआ था, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, बंगाल का विभाजन, यहां रोलट एक्ट लिख दिया है, ठीक है, और कामागाटा मारू लिख दिया, हल्के से ऑप्शन में डिफरेंस है, लेकिन बेटा क्वेश्चन जुगो त्यू रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर छोड़ो, क्वेश्चन जो कि उठे हैं मेरे भाई, ठीक है, क्वेश्चन जो कि उठे हैं वो तो छोड़ो, माहौल है, माहौल है, माहौल है, करेक्ट आंसर याद रखना जलियांवाला बाग। और बढ़ो, द आइडिया ऑफ नेशन वाइड GST, जो नेशन वाइड GST का आइडिया था मैंने यहां एक्सप्लेन कर रहा था, बेसिकली ये जो मेरा हाथ हो रखा है ना, तो मैं इस हाथ में कर रहा हूं, ठीक है, तो ये मैंने यहां पकड़ा हुआ है, ठीक है, बस कपड़े दूसरे, बस मैं बता रहा था। तो बेटा GST जो होता है एक नेशन वाइड एग्जाम्पल है, जिसको विजय केलकर समिति के द्वारा लेके आया गया था, लागू करने की तिथि इसके अंदर 1 जुलाई 2017 है, तो ये भाई एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, कोई और नहीं, भाई ही है, याद रखना। तो विजय केलकर समिति टास्क फोर्स जो थी वो इसी के लिए गठित की गई थी, ठीक है। इसके अंदर भी मैंने सेम चीज आपको डिटो एक्सप्लेन करके मारी है। और इसके बाद नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? ये चीता खड़े खड़े मैंने यहाँ पे बताया था, फ्लैग भी बनाया था, आपको याद होगा है या नहीं ये बताओ, याद है या नहीं है, ये सेम टू सेम मैंने आपको यहां बताया था, जब मैंने बताया था कि यूपी का फ्लैग कैसा होता है, और फ्लैग के जस्ट बाद मैंने आपको लाइन इसकी बोल के बताई थी, ठीक है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये बताया था, क्या बताया था, ठीक है, याद रखना, सेम टू सेम मैंने वहां पे आपको छाप दिया था, याद रखना। नेक्स्ट आपका, फिर मैंने एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सरकार दोनों क्षेत्र होते हैं, ये मैं इकोनॉमिक्स की, ये भी पेड क्लास है, ये भी पेड क्लास है इकोनॉमिक्स का। देखो यार, आपको भी पता है मैं इकोनॉमिक्स के यूट्यूब पे मैराथन इतने नहीं ले पाया, रीजन मेरे टाइम शॉर्टेज, टाइम मेरे पास उतना ज्यादा नहीं आ पा रहा था, ठीक है, टाइम मेरे पास उतना ज्यादा, अच्छा इसके, ठीक है, ये मैंने बता दिया, टाइम इतना ज्यादा नहीं आ पा रहा था, जिस वजह से मैं इकोनॉमिक्स के मैराथन्स नहीं लगा पाया, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपके एग्जाम्स में जो मतलब माहौल बना के रखा जाएगा पूरा, इकोनॉमिक्स के जो सेशन है वो भी मैं लूंगा, क्योंकि टाइम नहीं था यार इस बार, टाइम होता तो मैं जरूर लेता, लेकिन पेड क्लासेस वाले बच्चों को तो पता है क्या हुआ है,
उन्होंने तो अलग धुआं उठा दिया है, ठीक है। चलो तो इसमें याद रखना, इसके अंदर आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी आपको देखने को मिली है, निम्नलिखित में से टाटा स्टील ये भी भाई ही है, और टाटा स्टील का मैंने बताया हुआ है टिस्को, टाटा स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907, जमशेद जी टाटा के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। जमशेद जी टाटा इवन लिखा हुआ है बेटा, जमशेद जी टाटा, पहले इसका नाम सामची था लेकिन जमशेद जी की वजह से इसका नाम जमशेदपुर पड़ा, ठीक है। इसके बाद नीली क्रांति किससे रिलेटेड है, ये भी आपका भाई है, ये मॉक नंबर कौन सा सेट दूसरा है यूपी पुलिस के लिए। इसके अंदर मैंने फिशेस के लिए ब्लू रेवोल्यूशन लिखा हुआ है, याद रख लेना, फिशेस के लिए आपका ब्लू रेवोल्यूशन लिखा हुआ है। गुड़ी पड़वा कहां मनाई जाती है, ये आपके पेड बैच की स्टैटिक जी के है, पेड बैच की स्टैटिक जी के है बेटा, ये पेड बैच की स्टैटिक है ये, और इसके अंदर भी धुआंधार तरीके से आपके भाई ने, ये रहा महाराष्ट्र, ये रही गुड़ी पड़वा, न्यू ईयर होती है बताया था, उसके अलावा बहुत सारी चीज बताई थी, और ऐसे करके मैं बता रहा था, पर्पल पहना हुआ था उस दिन, याद रखना। इसके अलावा कहां मनाई जाती है, गुड़ी पड़वा आपकी महाराष्ट्र के अंदर मनाई जाती है। नेक्स्ट था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये क्लास मैंने आपकी कब ली थी, 16 फेब में ली थी, 16 फरवरी में ली थी, सुबह 11 बजे 11 एएम पे मैंने ये क्लास ली थी, है कोई बात, एक दिन पहले पेपर में से, एक जस्ट एक दिन पहले, 24 घंटे भी नहीं हुए थे, मात्र पेपर से 20 घंटे पहले मैंने ये क्लास ली थी, और उसमें ये क्वेश्चन था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है, सेम डे पे मैंने पूछा है भाई साहब, 24 घंटे पूरे नहीं उकन दिए मैंने, उससे पहले मैंने आपसे सवाल पूछ लिया था, और इसका करेक्ट आंसर भाई ने बताया था न्यू दिल्ली, जो करेक्ट आंसर यहां भी इसका सही है, धुआंधार तरीके से बताया था। इस क्वेश्चन का तो माहौल ही अलग है, माहौल ही अलग है, ठीक है, चलिए माहौल ही अलग है। G20 का पूरा रूप क्या है इसमें तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टॉप 500 लिए थे करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लास थी, करंट अफेयर्स की पूरा धुआंधार तरीके से मैंने इसमें पूछा था, ट्रायो का G20 का पूरा G20 एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। चलिए तो भाई माहौल बना दिया, ग्रुप ऑफ 20 बेसिकली इसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, जब ये क्लास आई थी तभी मैंने आपको राज्य वृक्ष बताया था, टैगलाइन में बताई थी, जो करेक्ट आंसर है इसका अशोका, ठीक है, यहीं पर एक्सप्लेन किया था मैंने। इसके अलावा द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये जो चीज है, निम्नलिखित में से किसने निर्मित एक संकीर्ण चैनल श्रीलंका भारत से अलग करता है, मैं बता दूं यूपी पुलिस स्पेशल करंट अफेयर क्लास थी, 1 घंटा 22 मिनट की क्लास थी, ये वाली क्लास सर के चैनल पे है, इसमें 56 मिनट 22 सेकंड पर बेसिकली मैंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज ये पाक जल डबरू मध्य, आखिरकार जो पाक जल डबरू मध्य है ये है क्या, और मन्नार की खाड़ी क्या है, ये चीज मैंने आपको यहां एक्सप्लेन की है, बहुत बेहतरीन तरीके से की है, ठीक है। ये भी आप यहां पे देख सकते हैं, 2016 के विमुद्रीकरण के समय भारत की कौन प्रधानमंत्री, देखो विमुद्रीकरण के समय दो तरीके से आप देख सकते हैं, यहां पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि भारत के अंदर विमुद्रीकरण कितनी बार हुआ है, यहां पर रखा 2016 लिखा हुआ है और नरेंद्र मोदी लिखा हुआ है, पेड़ बैच है, ठीक है यार, इकोनॉमिक्स पेड़ की आई है, मैं क्या बताऊं तुम्हें, क्योंकि इकोनॉमिक्स की यार आपकी मैराथन ले नहीं पाया, लेकिन जरूर मैं आपके नेक्स्ट एग्जाम से पहले इकोनॉमिक्स की मैराथन जरूर लूंगा। इसके बाद द सोनपुर फेयर जो है, थारा भाई अस्था हुआ आपको मिलेगा, जितने देख लिए, जैकेट भी सेम है, तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये क्लास भी मैंने 3 दिन पहले ली थी, 3 डेज पहले आपको ली थी, जो आर्ट एंड कल्चर की स्ट्रेटेजी की क्लास थी, तो इसमें मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है, और हंस रहा था यहाँ खड़े होके, याद रखना इसके अंदर मैंने बिहार एक्सप्लेन किया हुआ है, बिहार का सोनपुर आपका यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, याद रखना करेक्ट आंसर वुड बी द बिहार, ठीक है। इसके अलावा आपको ये जो फुल फॉर्म है UPSSF, ये फुल फॉर्म भी मैंने क्लास के अंदर एक्सप्लेन करके बताई थी, जब मैं BSF बता रहा था कि BSF के जो नए चीफ बने हैं वो नितिन अग्रवाल बने हैं, ठीक है, और CISF की जो बनी है वो नीना गुप्ता बनी है, तब मैंने ये चीज आपको एक्सप्लेन की थी, ठीक है। ये तो ये सब चीज आपको देखने को मिल जाएगी, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मोर देन आपके 32 क्वेश्चन, ठीक है, मोर देन 32 क्वेश्चन, 32 सवाल से ज्यादा, और बाकी के जो क्वेश्चन है, जैसे ये विकास सर की क्लास से रिपीट हुआ है, ये विकास सर की क्लास से रिपीट हुआ है, पूरा का पूरा क्वेश्चन कहां से रिपीट हुआ है, विकास सर की क्लास से रिपीट हुआ है। सेम चीज जो श्वेत प्रकाश, ये भी विकास सर की क्लास से रिपीट हुआ है, ठीक है, विकास सर की क्लास से रिपीट हुआ है, ये डिट्टो सेम क्वेश्चन था। ग्रेट बैरियर रीफ, ये भी विकास सर की क्लास से रिपीट हुआ है। अच्छा, ये विकास सर की क्लास के साथ साथ मेरी क्लास से रिपीट भी हुआ है, लेकिन सर ने ये एक्सप्लेन किया था, मैंने मजे लिए थे, मैं कह रहा था कि मान के चलो कल को आप मेरी ऑस्ट्रेलिया से शादी करा दो आप लोग मिलके, ठीक है, या आप ऑस्ट्रेलिया में किसी को छाट लो, कह दो सर इनसे ब्याह कर लो, ऑस्ट्रेलियन है, तो मैंने कहा था कि अगर मेरी ऑस्ट्रेलिया से शादी हो जाएगी तो मैं सबसे पहले जो मिलने के लिए जाऊंगा उनसे, वो मिलने के लिए सबसे पहले मैं कहां जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ पे, क्योंकि वो नजदीक पड़ता है, ठीक है। तो वहां आपको मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया था, तो ये बेसिकली विकास सर ने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। अंगूर की खेती विटीकल्चर, ये मेरी स्टैटिक जीके की क्लास का है, स्टैटिक जीके पेड़ का है, स्टैटिक जीके पेड़ का है। और पता किस दिन ली थी मैंने क्लास, स्टैटिक जीके पेड़ किस दिन ली थी, 16 फरवरी सुबह 8:45 पर, 8:45 एएम पर ये क्लास ली गई थी। इसके अंदर मैंने हॉर्टिकल्चर समझाया, पीसी कल्चर समझाया और सेरी कल्चर समझाया, विटीकल्चर बचा वो बेसिकली अंगूर हो गया, हुआ या नहीं हुआ,
ठीक है, हुआ या नहीं हुआ, माहौल है, माहौल है, माहौल है, ठीक है। बेला डीला, ये विकास सर ने अपनी क्लास में आपको धुआंधार तरीके से आपको समझाया हुआ है, विकास सर ने अपनी क्लास में ये आपको धुआंधार तरीके से समझाया हुआ है। उन्होंने इवन मुझे फोन करके बताया, अरे भाई वो बेला डीला वाला बता देना बच्चों को, मैं ठीक है। इसके बाद विश्व पुस्तक दिवस, ये मैंने आपको जो इंपोर्टेंट डेज कराए हैं, ये वीडियो आई है यूट्यूब पर, वीडियो आई थी टॉपिक वाइज करंट अफेयर, तब मैंने इसको धुआंधार तरीके से आपको बताया था, दैट वुड बी द 20, ठीक है, 7 अप्रैल को तो आपका हेल्थ डे हो जाएगा, 5 जून को क्या हो जाएगा आपका एनवायरमेंट डे, 25 जून को नहीं था, ये 23 अप्रैल को था, याद रखना ये 23 अप्रैल को था, 25 जून को एक नेशनल डे होता है, इंटरनेशनल नहीं होता, ये वर्ल्ड के बारे में बात की गई थी। इसके बाद मैंने निम्नलिखित में से 4 हिस्सों में पहले स्थानीय, देखो ये थोड़ा अलग है, इसके अंदर 2 ऑप्शन इसके जो मिल रहे थे, एक कुछ लोग हिमाचल बोल रहे थे, कुछ कर्नाटक बोल रहे थे, तो यू शुड गो विद द कर्नाटका, कर्नाटका के साथ जाना, क्योंकि इसके जो कुल्हे है ना, कुल्हे है वो 2 जगह देखने को मिलती है, हिमाचल में भी कर्नाटक में भी, लेकिन कर्नाटक में पुरानी है, पुरानी की बात है, ठीक है। चलिए, ये सब माहौल है। भारत में जनगणना संगठन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, जब सेंसस आपको विकास भाई ने पढ़ाई थी तब उन्होंने इसके अंदर बताया था, रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर। अच्छा यही नहीं, जब मैंने आपको स्टैटिक जीके के लिए, जब मैंने आपको करंट अफेयर्स की क्लास बताई थी तब भी इस चीज का जिक्र मैंने किया था, ठीक है। चलो, तो इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन है, ठीक है। जीआई टैग जब पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि भदोही जो होता है, भदोही बेसिकली फेमस किस चीज के लिए, अपने कालीन के लिए फेमस है, कालीन भैया मिर्जापुर वाले, और नॉर्मल कालीन भदोही वाली, तो ये सब मैंने बताया था। जब याद करो, जब कंफ्यूजन हो गई थी मुझे ऐसा लग रहा था कि भदोही सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, जब ये हापुड़ था, तब मैंने बताया था, अरे यार भाई मुझे भदोही याद है, भदोही के अंदर कालीन फेमस है, बताया था मैंने, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्लेन रहने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, अब हम बात करते हैं कल के एग्जाम में कैसा आपका रहेगा, ठीक है। चलो, कल के एग्जाम में आपको क्या रहेगा, टुमारो एग्जाम, इसके लिए आपको क्या कुछ पढ़ के जाना है, ठीक है। टुमारो एग्जाम, सबसे पहले आपको रिलैक्स रहना है, आप कोई नई चीज अब बेसिकली नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अब आप बेसिकली कोई नेक्स्ट चीज नहीं पढ़ सकते, नई चीज आप नहीं पढ़ सकते, जो चीज आपने पढ़ी हुई है वही चीज आपके लिए सर्वोपरि है, पहली चीज, ठीक है। जो आपने पढ़ा हुआ है उसी चीज को रिलैक्स मान के आप मानिए और माहौल को आगे बढ़ाते चलिए, ठीक है। नो डाउट आप अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आप, ठीक है, बहुत अच्छा करेंगे। अभी तक की जो एनालिसिस है आपका, जो आज का पेपर आया था, टुडेज एग्जाम, जो आपका आज का एग्जाम आया था बेटा, वो स्क्रीनशॉट अभी मैंने आपको दिखाई, तो आपका एग्जाम 85 से लेकर 90% जो है वो क्लासेस में से रिपीट हुआ, हमारी क्लास से रिपीट आपका वो हुआ है, हमारी क्लास से वो बेसिकली रिपीट हुआ है, ठीक है। 85 से लेकर 90% रिपीट हुआ है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि 85 से लेकर 90% बेसिकली हुआ है, ठीक है बेटा। तो आपको सबसे पहले टेंशन फ्री रहना है, ठीक है, टेंशन फ्री आपको बेसिकली रहना है, इसके अंदर निश्चिंत हो जाइए बिना किसी परेशानी के, याद रखना कोई आपको टेंशन दिमाग में नहीं लेके रखनी है, टेंशन दिमाग में नहीं लेके रखनी है। कोई भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, विकास सर की क्लास से एक बाहर नहीं गया ज्योग्राफी का क्वेश्चन, पॉलिटी का क्वेश्चन भाई की क्लास से बाहर जा कैसे सकता है, पॉलिटी तो अपनी मतलब खास आदमन है, ठीक है, याद रखना। तो कल के लिए अपना पैटर्न ये बना के चलो, जो अब तक आपने पढ़ा हुआ है उसको एक बार अगर रिवाइज आप कर सकते हैं शॉर्ट नोट में, रिवाइज ऑन शॉर्ट नोट में उसको रिवाइज कर लो और माहौल बना दो, शॉर्ट नोट में रिवाइज कर लो। अगर आपके पास समय है तो मेरी करंट अफेयर्स की एक क्लास हुई थी वो देख लेना, करंट अफेयर्स के लिए अगर आपके पास लग रहा है आपके पास समय है तो करंट अफेयर्स के लिए मेरी क्लास हुई थी मेरी बेसिकली, 2 क्लास बेसिकली मेरी हुई थी, एक क्लास जो हुई थी मेरी 3 घंटे की हुई थी, ठीक है, 3 आवर की है, और एक क्लास मेरी 2 घंटे की है, तो वो दोनों ही क्लास आप देख लेना, करंट अफेयर्स आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आना होगा उसी में से आएगा, नहीं आना होगा माहौल फिर बाहर ही आएगा, वो पूरे यूट्यूब से बाहर आएगा फिर वो, अगर आना होगा इन 5 घंटे में आपके करंट अफेयर्स को नस्ते नाबूद कर दिया है मैंने, ठीक है, याद रखना। तो कल के एग्जाम से पहले सब आपको रिलैक्स हो जाना है, जो आपका जो एग्जाम आएगा, अगर देखो आज 85 से लेकर 90% हमारी क्लास में से रिपीट हुआ है, तो आगे आने वाली जो शिफ्ट है उसके अंदर भी आपका जो पेपर है मोर देन 80% जो है क्लासेस से ही रिपीट होगा, तो निश्चित रहिए अगर आपने क्लासेस को ध्यान से पढ़ा है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी जिस जिसका एग्जाम है भाई, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। सर एसएससी जीडी के बारे में बताइए बेटा, जीडी के लिए भी सेम आपको सजेशन है। अच्छा, जीडी वाले बच्चों के लिए कुछ सजेशन और भी है, मैंने कुछ मॉक कराए हुए हैं, उन पर हमारी टीम ने सिर्फ यूपी पुलिस लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, मॉक है उन पे हमारी टीम ने सिर्फ यूपी पुलिस लिखा हुआ है, वो वाली जो वीडियो है वो यूपी पुलिस के साथ साथ एसएससी जीडी के लिए भी थी बेटा, वो भी देख लेना, ठीक है, याद रखना वो यूपी पुलिस लिखा हुआ है लेकिन वीडियो देख लेना,
धुआंधार तरीके से आपको रखना है और किसी प्रकार की कोई गलती कहीं से कहीं तक आपसे नहीं होनी चाहिए। आप सभी के लिए कल टुमारोज एग्जाम, आप सभी के लिए गुड लक, ठीक है, आप सभी के लिए गुड लक। और आपका भाई जो है वो आपके साथ खड़ा है और बिना किसी परेशानी के आपको टेंशन नहीं लेनी है जरा सी भी कहीं से कहीं तक भी, मैं आपके साथ हूं, आपको गुड लक, बेहतरीन तरीके से एग्जाम देके आओ। और जैसे आज के बच्चों ने मुझे भेजे स्क्रीनशॉट, अगर आप भेजते हैं तो अच्छा ही लगेगा, बुरा किसको लगता है ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जिस हिसाब का माहौल यहाँ पे क्रिएट किया गया है, ये स्क्रीनशॉट है बेटा जो बच्चों ने भेजे, मैंने तो अभी निकाले भी नहीं, अगर मैं स्क्रीनशॉट निकालने पे आ गया मैं सबके निकाल दूंगा ठीक है। तो याद रखना ये सब जो है ये मेरी क्लास के बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सर आपने ये चीज यहाँ एक्सप्लेन की है, ये चीज यहाँ एक्सप्लेन की है, बहुत बेहतरीन। ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर करा दूंगा जो बच्चा चेक करना चाहता है, क्योंकि मेरी क्लास को कई बार क्या होता है बच्चों से ज्यादा टीचर देखते हैं बाकी प्लेटफॉर्म पे, तो चेक कर सकते हैं भाई, पीडीएफ मिल जाएगा ठीक है। बाकी आप बच्चे भाई दिल से आप लोगों को सपोर्ट है और आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। माहौल बना के आओ कल, धुआंधार आपको कल पेपर देना है और सबको बेहतरीन तरीके से इस बार सिलेक्शन लेना है। आप लोगों की जो चाय है बेसिकली वो इस क्लास में रखी जानी है, वो वेट कर रहा है आपका ग्लास, खाली रखा हुआ है मेरे पास, तो जल्दी आइए, आप लोगों का इंतजार है ठीक है। सी यू टुमारो। कब तक पढ़ना है, आज ज्यादा लेट मत करना, आराम से रिलैक्स होके सो जाओ ठीक है, आराम से रिलैक्स होके सो जाओ, कल की बात कल देखी जाएगी। जैसा कि मैंने बताया मेरा एक फेमस डायलॉग आ रहा है, जो होगी देखी जाएगी, तो वही है, आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, कल जाके एग्जाम में बॉडी टाइट कर दो। और आज जिस जिस बच्चे का एग्जाम था बताइए कैसा रहा, अरे वो भाई आकाश डट जाओ भाई ठीक है, चलिए कैसा रहा आपका एग्जाम, आशीर्वाद भाई, यशस्वी भव, विजयी भव, एग्जाम नस्ते नाबूत भव ठीक है, चलो ठीक है। अरुण सर भाई, अरुण सर यार हिंदी बहुत क्लासिक पढ़ाते हैं जैसा आप सभी जानते हैं, सर कल सेकंड शिफ्ट में है, आपको गुड लक, बहुत बहुत गुड लक, आपको बढ़िया तरीके से एग्जाम देके आइए ठीक है। चलो आज पूरे दिन में आप लोगों से जुड़ा रहा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। सर मेरा मैसेज कर रही हूं, अच्छा जिसको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, चमन बेटा आपके लिए स्पेशली मैंने वो क्लास ली थी जो मानवाधिकार वाली है, तो देख जाना, वो jeetrana.77 है मेरा इंस्टाग्राम जिसको नहीं मिल रहा है ठीक है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों को भेज दीजिए कि जो आपके टीचर ने पढ़ाया वो आया, और थोड़ी बहुत भाई अपने भाई को थोड़ी बहुत थैंक यू, बहुत अच्छे लेवल पे, आशीर्वाद आप सभी के ऊपर हमेशा बना रहेगा। सी यू टुमारो, जय हिंद, नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।